नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल। आज की वीडियो में आप लोगों को फार्म की अपडेट देनी थी। हिपर फिट खिलाई थी, मतलब एक महीना हो चुका है हिपर फिट खिलाते हुए। आपको बॉडी वेट भी हम लोगों ने बछड़ियों का नाप के दिखाया ही था, तो उसी को लेकर आज ये वीडियो है कि जो हिपर फिट खिलाई थी उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। बछड़ियों का वजन भी बढ़ा है और इसके साथ साथ जैसे ही बछड़ियों ने 2 क्विंटल से वजन क्रॉस किया है तो उसमें से एक जो बछड़ी है हमारी ट्रॉय की बछड़ी जो है वो जो है हिट पर आ चुकी है। अभी आप देख सकते हैं ये हमारी ट्रॉय की बछड़ी ये हिट पर आ चुकी है और ये सुबह हिट में आई है। इसका आप डिस्चार्ज देख सकते हैं, यहाँ डिस्चार्ज लगा हुआ है और काफ़ी सुबह के समय दूध का समय था, इस वजह से हमने वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि इसने डिस्चार्ज जो है काफ़ी अच्छा किया था। और जैसे ही इन बछड़ियों ने 2 क्विंटल वजन क्रॉस करा है तो फर्स्ट ये बछड़ी अभी हिट पर आई है। अभी ऐसा लग रहा है कि अब बैक टू बैक सारी बछड़ियाँ हिट पर आने लग जाएंगी, तो ये बहुत खुशी की बात है। जब आप एक बछड़ी तैयार करते हैं, उसे प्रॉपर डाइट देते हैं, फिर जब वो हीट में आती है और प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद जो खुशी मिलती है वो हर उस किसान को पता होगा जिसने कभी बछड़ी बड़ी करी हो। तो आज ये बहुत खुशी का दिन है कि जो मेहनत हम लोगों ने की है वो रंग लाई है। अब इसका जो है नेचुरल गर्भाधान कराया जाएगा आज, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, तो फर्स्ट टाइम में यदि हम नेचुरल गर्भाधान कराएंगे तो उसमें कंसीव रेट काफ़ी अच्छा होता है। और इसके बाद जैसे ही ये कंसीव करती है तो फुल फोकस इसकी खिलाई पर दिया जाएगा कि जो थोड़ा अभी बॉडी वेट इसका कम है वो और जल्दी से गेन हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो हमारी फॉर्चूनर की बछड़ी है ये बीमार हो गई है, थोड़ा ऐसे बुखार आ गया है। मौसम के परिवर्तन की वजह से या किस वजह से इसे बुखार आया है, तो थोड़ा जो हमारे पास मेडिसिंस वगैरह रखी हुई थी तो वो हमने इसे दे दिया है। जैसे हम अक्सर आप लोगों को बताते हैं कि थोड़ी बहुत मेडिसिन यदि आप एक डेयरी फार्मर हैं तो अपने फार्म पर रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कोई भी पैरासीटामोल, जो अच्छी पैरासीटामोल हो वो ज़रूर से आप अपने फार्म पर रखिए। कि मान लीजिए आपकी गाय को यदि सुबह सुबह बुखार आ गया तो डॉक्टर एकदम से सुबह सुबह अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, तो आपके पास जो भी पैरासीटामोल अवेलेबल हो आप वो पैरासीटामोल दे दीजिए। इसके साथ साथ लीवर टॉनिक, जब गाय को बुखार आए तो ज़रूर से दीजिए लीवर टॉनिक, और विटामिक्स रखा हो तो विटामिक्स दे दीजिए। ये तीनों चीज़ जब पशु के शरीर में जाती है तो उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा होता है। पशु जो है एकदम से जो बीमार पड़ता है उसकी वीकनेस दूर हो जाती है और वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। जब तक डॉक्टर के आने का समय हो जाएगा उसमें से 50% आपका पशु ठीक हो जाएगा। जैसा कि हमने हमारी बछड़ी को, हम हमेशा फार्म पर लिवर टॉनिक जरूर से रखते हैं, तो लिवर टास दे दिया है। लिवर टास मतलब 100 ml से ऊपर लिवर टास दिया है। और इसके साथ साथ हम इंटाविटा एच अभी हमारे पास अवेलेबल है तो 10 ml इंटाविटा एच दे दिया है। और इसके ये डोलोपार हमने उसे दे दिए, इसमें है, इसमें पैरासीटामोल है। जिस दवा में पैरासीटामोल होता है वो बुखार के लिए काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि जो पैरासीटामोल है वो बुखार पर ही काम करती है। तो एक गोली अभी बछड़ी को हमने ये दे दी है। तो सुबह के समय में जब हम आए तब ये दूज रही थी, काँप रही थी, मतलब इसे ठंड लग रही थी, पर जब इसे गोली और ये सारी चीज़ें दी गई उसके बाद से ये ठीक है। अभी इसने फीड भी खा ली है, जितनी फीड दी थी उतनी सारी खा ली है। सुबह तो ये कुछ भी नहीं खा रही थी, अभी पानी भी पीने की कोशिश कर रही है, मतलब 50% इसे आराम लग चुका है। और इसे डॉक्टर की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसे आराम लग गया है। अब यही डोज शाम को इसे रिपीट कर दिया जाएगा तो ये 100% ठीक हो जाएगी।
मतलब कि एक बैलेंस्ड डाइट खिलाने से काफ़ी फ़ायदा हुआ है, क्योंकि बछड़ियाँ बड़ी करनी हैं तो हमें उन्हें एक बैलेंस फीड खिलानी बहुत ज़रूरी है, वरना हम बछड़ी तो तैयार करेंगे दूसरी फीड खिलाने से, पर जहाँ हमारी बछड़ी 12 महीने में कंसीव कर लेनी चाहिए, मतलब हिट पर आकर कंसीव कर लेनी चाहिए 12 से 15 महीने के बीच में, वहीं हमारी बछड़ी 2 से 3 साल लग जाएंगे तैयार होने में, तो इससे अच्छा कि हम दूसरा फीड ना खिलाते हुए एक बैलेंस फीड अपनी बछड़ी को खिलाएं और समय पे हमारी बछड़ी जो है वो प्रेग्नेंट हो जाए और समय पे बच्चा दे दे और हमारे फार्म को आगे बढ़ाए, तो जो दूसरे खर्चे हैं वो सारे बच जाएंगे और हमारी घर की जो बछड़ी तैयार होगी उस ब्रीड की बात ही अलग होगी, क्योंकि यदि हम एक अच्छी ब्रीड तैयार करेंगे तो काफ़ी फ़ायदे होंगे। अब सारा काम हो चुका है, आप देख सकते हैं सारी क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है, गायों ने भी फीड वगैरह सारी खा ली है। और इसके साथ साथ जो ये बछड़ी थी हमारी हाट से लाई हुई, अब ये भी इसने भी फीड खाना स्टार्ट कर दी है, आप देख सकते हैं आज तो गुन में थोड़ी बहुत फीड पड़ी है, इसने भी थोड़ा सा ही जो खारिया छोड़ा है क्योंकि हम ज़्यादा खिलाने लग गए हैं अभी ने, क्योंकि अभी ने आए हुए समय हो गया है तो अभी ने ज़्यादा मतलब अच्छा भरपेट हम खिला सकते हैं, और इस बछड़ी ने भी धीरे धीरे फीड खाने लग गई है, फीड पे लग गई है ये बछड़ी। अब बस इसको एक जो है माइफेक्स लगवा दी जाएगी, जिससे जो इसके शरीर में गंदगी भरी हुई है वो भी सारी निकल जाएगी। अभी जैसे ही इसकी फीड हमने इसने फीड खाना स्टार्ट करी और जो सूखा और हरा स्टार्ट करा है खाना, तो इसने काफ़ी ज़्यादा डिस्चार्ज डालना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अब इसका जो पेट है ये भर के खा रही है, उसकी वजह से जो इसके शरीर में गंदगी जमी है वो ऑटोमेटिकली बाहर फेंक रही है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए, क्योंकि आज फार्म पर बहुत ही अच्छी खुशी की बात थी, इसलिए सोचा कि आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, क्योंकि हर किसान भाई चाहता है कि वो भी एक घर की ब्रीड तैयार करे, अच्छी बछड़ियाँ तैयार करे। तो यदि आप लोगों को अच्छी बछड़ियाँ तैयार करनी है तो आप शुरू से ही अपनी बछड़ियों पर ध्यान दीजिए, जैसे ही आपकी बछड़ी पैदा हो सबसे पहले उसे माँ का खीस जरूर पिलाएं, उसके बॉडी वेट का 10% उसे पिलाएं, उसके बाद परमानेंट उससे 3 महीने तक आपको अच्छा दूध अब उसकी माँ का पिलाना है। यदि आप अच्छा दूध पिलाएंगे उस समय आपको दूध का खर्चा जो ऐसा लगेगा कि दूध हम पिला रहे हैं तो हमें नुकसान हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। यदि आप उस समय 3 महीने केवल दूध को भूल जाएंगे, मतलब कि 5 से 6 लीटर दूध आप अपनी बछड़ी को प्रतिदिन का पिलाएंगे, तो काफ़ी स्पीड से आपकी बछड़ी तैयार होगी। और इसके साथ साथ आप ऐसा नहीं है कि केवल दूध पर रखें, इसके साथ साथ आप जो है काफ़ी स्टार्टर रखकर अपनी बछड़ी को काफ़ी स्टार्टर से भी लगा दीजिए जितना वो खाना चाहे, और उसके बाद जैसे ही 3 महीने क्रॉस करें आप हिपर फीड स्टार्ट कर दीजिए। हिपर फीड और काफ़ी स्टार्टर काफ़ी अच्छी चीज़ है अपनी बछड़ियों को तैयार करने के लिए, जैसा कि आपको हमने इसका रिजल्ट दिखाया है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, जिस भी विषय पर आप लोगों को वीडियो बनवानी है हम उस पर ज़रूर से आप लोगों को वीडियो बनाकर जो है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो थैंक यू फॉर द वॉच।